हेलो किड्स, होप यू आर सेफ एंड वेल। क्लास थ्री की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारा जो डिवीजन का टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर दें। सो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी डिवीजन यूनिट नंबर 3 पॉइंट क्लास फॉर क्लास थ्री। डिवीजन इज़ अ फेयर शेयरिंग एंड ग्रुपिंग ऑपरेशन। ठीक है, बेसिकली हमें कोई भी चीज़ अगर डिवाइड करनी है, डिवाइड करनी हो इक्वल ग्रुप्स में, तो हम डिवीजन का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। व्हेन वी डिवाइड वी शेयर इनटू इक्वल ग्रुप्स। कोई भी चीज़ हम डिवाइड करते हैं तो हम उसको इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैन यू काउंट द एप्पल्स? हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देयर आर 12. So you have to share these 12 apples among 4 children. ठीक है, चार बच्चों में आपने ये apples divide करने हैं equally. So each child will get same amount. कैसे होगा? हम इनके groups बना लेते हैं। 3-3 apples. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. ठीक है, so we can write it as 12 divided by 4 is equals to, ek group mein kitne apples hai hamare paas? 1 2 3 3. ye jo sign hai ye division ka sign hai. theek hai, ye division ka sign hai और हमारे पास एक ग्रुप में आ गए हैं 3 एप्पल। अभी हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किए जिसके अंदर हमने 12 को डिवाइड किया है 4 से और हमें आंसर मिला है 3। 12 डिवाइडेड बाय 4 और उसका आंसर आया था हमारे पास 3। ठीक है, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 4 और आंसर आ गया हमारे पास 3। ठीक है, ये जो नंबर है जो ऊपर दिया हुआ है इसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, और जिससे हम डिवाइड करवा रहे हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब हम 2 डिजिट नंबर को सॉल्व करेंगे। ओके, अभी हमें एक एग्जांपल सॉल्व करनी है। 24 को हमें डिवाइड करवाना है 8 से। ठीक है, व्हेन द डिजिट एट टेंस प्लेस इज स्मॉलर देन द डिवाइजर, फॉर एग्जांपल 2 इज स्मॉलर देन 8, सो वी टेक बोथ द डिजिट्स टुगेदर। हमें चेक करना है पहले कि 2 8 से बड़ा है या छोटा है। 2 8 से छोटा है तो हम दोनों डिजिट को एक साथ डिवाइड करेंगे, मतलब हम 8 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 24 आए। नाउ डिवाइड 24 बाय 8, 8 का टेबल पढ़े 24 तक। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24। तो मैं 3 यहाँ पे लिखूँगी, 24 बिल्कुल। ट्वेंटी फोर के नीचे, और फिर जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसको रिमाइंडर बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 92 को डिवाइड करवाना है 4 से। ओके, व्हेन द डिजिट एट द टेंथ प्लेस इज बिगर देन द डिवाइजर, 9 इज बिगर देन 4, सो वी डिवाइड 9 बाय 4 फर्स्ट। इन सिंपल वर्ड्स, 4 स्मॉलर देन 9,
तो हम सबसे पहले 9 को डिवाइड करेंगे, सिर्फ 9 को लेंगे। 4 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 9 आए या स्मॉलर देन कोई 9 नंबर आए, ठीक है। 4 1 4 4 2 8, 8 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 मैंने ऊपर लिखा है, इसको मैं माइनस करूँगी, 9 में से 8 गए, 1 बचा, ठीक है। फर्दर कैसे सॉल्व होगा ये? नाउ व्हाट विल वी डू, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? नाउ वी मूव डाउन द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर, बिल्कुल रिमाइंडर के साथ हम 2 लिख देंगे जिसको हमने डिवाइड नहीं किया था फर्स्ट स्टेप में। अब हमारे पास क्या नंबर मिल गया, डिवाइड क्या नंबर बन गया, 12। देन वी डिवाइड 12 बाय 4, 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 12 बाय 4 1 4 4 2 8 4 3 12 3 12 3 12, 0 आ गया लास्ट में, कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर हमारे पास, और आंसर हमारे पास क्या आया है, 23, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग ऑल सॉल्व करते हैं, पेज नंबर 97 पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई, ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 84 को डिवाइड करवाना है 6 से, ठीक है। वही चेक करेंगे हम, पहले जो टेंस पर है हमारे पास नंबर, वो डिवाइजर से छोटा है या बड़ा है, 8 6 से बड़ा है, तो हम पहले 6 को 8 से डिवाइड करेंगे, 6 1 6 6 2 12 12, बड़ा हो जाएगा तो हम 6 1 6 लिखेंगे, ठीक है ना। 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूनिट की प्लेस पे जो नंबर था उसको नीचे डालेंगे, उसको बिल्कुल रिमाइंडर के साथ लिखेंगे, ओके 4, ओके 6 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 24 आए, 6 1 6 6 2 12 6 3 0, ये हमारा आ गया आंसर 14।